हेलो इज इट ऑडिबल नाउ इज इट ऑडिबल नाउ सॉरी माइक ऑन नहीं हुआ था सॉरी माइक ऑन नहीं हुआ था इज इट नाउ ऑडिबल इज इट नाउ ऑडिबल यस सर ठीक है सॉरी एक्चुअली माइंड माइक ऑन नहीं हुआ था बी पी एस सी इतना इतने सारे शॉकिंग न्यूज दे रहे हैं कि आज हम लोगों को भी बार बार अपडेट होना पड़ रहा है और आपको भी अपडेट होना पड़ रहा है हर महीने में कुछ नया एग्जाम पैटर्न हर महीने में कभी प्रीलिम्स के एग्जाम में पैटर्न चेंज कभी मेंस के एग्जाम में पैटर्न चेंज तो ये सेशन जल्दी जल्दी में बनाना था तो साउंड ऑन नहीं हुआ था नो इशू आई थिंक नाउ इट इज ऑडिबल ओके ठीक है चलते हैं तो मैं क्या बोल रहा था बीपीएससी ने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज किया है बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न था वो एज इट इज है मेंस के एग्जाम पैटर्न में चेंजेस किया है प्रीलिम्स में ऑलरेडी चेंजेस हो चुका था जिसको आप लोगों ने झेल चुके हैं ठीक है सिक्सटी एट्थ का प्रीलिम्स में जिसमें नेगेटिव मार्किंग ऐड हुए थे ठीक है इस बार जो चेंजेस हुआ है वो मेंस के एग्जाम में पैटर्न में चेंजेस हुआ है क्या क्या चेंजेस हुआ है वो जरा हम लोग देखते थे देखते हैं और बहुत सारे डाउट्स ऐसे हुए करते थे कि इससे में कितने क्वेश्चन आएंगे क्या ड्यूरेशन होगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इससे में ये माइंड uh, में बहुत सारा डाउट था बीपीएससी ने एक मॉडल एंड क्वेश्चन भी जारी किया है उसी मॉडल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बीपीएससी का मेंस का एग्जाम होगा तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले बीपीएससी का मेंस का एग्जाम पैटर्न ठीक है देखिए बीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम है बीपीएससी के मेंस के एग्जाम में मेंस में दो तरीके के पेपर होंगे एक क्वालिफाइंग पेपर और एक आपके स्कोरिंग पेपर जिसमें आपको कट ऑफ निकालना होगा जो क्वालिफाइंग पेपर है वो दो है हिंदी है और एक ऑप्शनल है एक समय ऑप्शनल पेपर इंपॉर्टेंट uh, हुआ करता था जिससे आपका रैंक डिसाइड हुआ करता था लेकिन अब ऐसा नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का हो चुका है तो एक हिंदी है और एक ऑप्शनल है दोनों का मार्क्स कितने हैं हंड्रेड हंड्रेड है, 100, 100 है। आपको जो टाइम अलॉटेड होगा वो थ्री आवर होगा और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है थर्टी परसेंट और फोर्टी परसेंट जनरल कैटेगरी के लिए ठीक है ये दोनों का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा ये सब्जेक्टिव है और ये आपका ऑब्जेक्टिव है तो ये दो पेपर हिंदी और ऑप्शनल ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं गॉट इट यहां तक क्लियर हो चुका होगा मैं इसके बाद में जो बीपीएससी ने अपना मॉडल आंसर जारी किया है वो मॉडल आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन किस पैटर्न के क्वेश्चन बीपीएससी में आएंगे ये है हमारा स्कोरिंग पेपर स्कोरिंग पेपर हमारे 900 मार्क्स के होंगे टोटल तीन सेक्शन होंगे इट, टोटल हमारे तीन सेक्शन होंगे जी वन टू एंड द एस जीएस वन थ्री हंड्रेड मार्क्स जीएसटू थ्री हंड्रेड मार्क्स एंड द एस हंड्रेड मार्क्स टोटल नाइन हंड्रेड मार्क्स के आपके पेपर होंगे जहां से आपका रैंक डिसाइड होगा तो हम लोग देखते हैं जीएस वन जीएसटू एंड एस से थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड जो टाइम अलॉटेड है थ्री आवर्स थ्री आवर्स थ्री आवर्स और इन सभी में आपको कट ऑफ निकालना है और ये सारे के सारे आपके सब्जेक्टिव नेचर के हैं ऑब्जेक्टिव नेचर के नहीं होंगे ओके बिहार आर्ट्स भी एक पेपर कर रहा है बिहार आर्ट्स भी एक पेपर कर रहा वंस अगेन रिपीट सर हाँ मैंने मैंने वो सारे बात मैंने रिपीट कर दिया केसरी ठीक है हाँ चलते हैं ये फॉर्मेट बीपीएससी ने आज ही जारी किया है अपने वेबसाइट पे आप वो पेपर डाउनलोड कर भी सकते हो ठीक है अदरवाइज डिस्क्रिप्शन के में मैं ये पेपर आपको दे दूंगा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आपको ये पेपर मिल जाएगा देखते हैं पहले क्या हुआ करता था पहले जी एस वन में पंद्रह क्वेश्चन हुए करते थे पंद्रह में से आठ करने होते थे कभी कभी बारह क्वेश्चन हुए करते थे बारह में से आठ करने होते थे जी एस टू में बारह क्वेश्चन हुआ करते थे आठ करने होते थे इस बार ऐसा नहीं है देखते हैं क्या है जो आपका जीएस पेपर वन है उस जीएस पेपर वन में आपके तीन सेक्शन है तीन सेक्शन पहले भी था तीन सेक्शन आज भी है कौन कौन सा है सर वो सेक्शन जो पहला से, सेक्शन होगा वो होगा हिस्ट्री का जो आपका दूसरा सेक्शन होगा वो आपके आईआर का होगा और जो आपका तीसरा सेक्शन था वो स्टैट्स का है ठीक है तो ये हमारा पेपर है तो इसमें क्या है सेक्शन वन में क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन आपको करना ही करना होगा ठीक है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर में आपके दो क्वेश्चन दिए गए होंगे दोनों में से एक करने होंगे पहले क्या होता था पहले होता था कि चार क्वेश्चन या पांच क्वेश्चन गिवन होते थे और आपको दो करना होता था अभी ऐसा नहीं है आपको एक क्वेश्चन दिया है यह कंपलसरी है थर्टी एट मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपके दो च्वाइस होंगे इस दोनों च्वाइस में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा थर्टी एट मार्क्स का फिर क्वेश्चन नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर थ्री में आपके दो च्वाइस होंगे इस दोनों में से ही कोई एक क्वेश्चन आपको ऑप्ट करना होगा थर्टी एट मार्क्स का ठीक है तो कितने क्वेश्चन होंगे अभी तक तीन क्वेश्चन हो गए तीन क्वेश्चन हो गए किसके सेक्शन वन के सेक्शन टू मतलब अभी हम लोग बात कर रहे हैं जीएस वन में जीएस वन का सेक्शन नंबर वन GS2 टू का सेक्शन नंबर टू सेक्शन नंबर टू में क्वेश्चन नंबर चार सिंगल क्वेश्चन होंगे ये आपको अटेम्प्ट करना ही होगा क्वेश्चन नंबर पांच में फिर से दो ऑप्शन होंगे दो च्वाइस होंगे दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपके दो च्वाइस गिवेन होंगे और दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा और ये सबके मार्क्स आपके कितने हैं थर्टी एट मार्क्स के आप देख सकते हो सारे के सारे थर्टी एट मार्क्स के तो अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए छह क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। अगर आपको चॉइस ढूंढना होगा तो इस क्वेश्चन के अंदर ही चॉइस गिवन होगा आपको बाहर से चॉइस नहीं है। पहले पांच गिवेन होते थे दो करने होते थे आपको जो मन आप वो ऑप्ट कर सकते थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं है चॉइस आपको क्वेश्चन के अंदर ही होगा सेक्शन थ्री जीएस वन का सेक्शन नंबर थ्री तो जीएस वन का सेक्शन नंबर थ्री में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट दो क्वेश्चन है इस दो क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन नंबर सेवन पे दो चॉइस होगा क्वेश्चन नंबर एट पे दो चॉइस होगा दोनों चॉइस में से एक एक क्वेश्चन करने हैं समझ में आ गई बात ठीक है इसका मतलब ये हुआ सेक्शन तीन से सेक्शन तीन से आपको दो क्वेश्चन करने होंगे सेक्शन टू से आपको चार पांच छ तीन क्वेश्चन करने होंगे तो थ्री और टू फाइव फाइव और ये है आपका सेक्शन वन वन टू थ्री आपके कितने क्वेश्चन होंगे तीन तो आपको आठ क्वेश्चन करने होंगे पहले भी आठ क्वेश्चंस करने होते थे लेकिन चॉइस आपके हाथ में हुआ करता था अब चॉइस आपके हाथ में नहीं है क्वेश्चन आपको आठ ही आठ एट ही अटेम्प्ट करने हैं ठीक है सो so, यहाँ तक बताइए जीएस पेपर वन में जो एग्ज़ाम पैटर्न है एग्ज़ाम पैटर्न में अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हो मैं वो डाउट फिर से क्लियर करूंगा मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ जी सेक्शन वन में टोटल आपके थ्री मार्क्स के होंगे उस थ्री मार्क्स में से आपको क्वेश्चन करने होंगे आठ एट एट क्वेश्चन आपको करने होंगे तीन सेक्शन में बटे होंगे जीएस एस वन जी एस टू जी थ्री

आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा मेंस में जीएस वन पेपर का पैटर्न ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दिस इज द जीएस पेपर टू जीएस पेपर टू का जो पैटर्न है ये ऑलमोस्ट जीएस पेपर वन के पैटर्न के बराबर है क्या है पहला क्वेश्चन कंपलसरी है करना ही करना है सेकंड क्वेश्चन में आपके दो चॉइस होंगे इस दोनों चॉइस में से कोई एक क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में दो चॉइस होगा आपको एक क्वेश्चन करना है मतलब इंटरनल चॉइस होगा ओके okay? सारे के सारे मार्क्स कितने हैं आपके थर्टी एट मार्क्स तो ये सेक्शन नंबर वन सेक्शन नंबर टू सेक्शन नंबर टू में क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स फोर कंपलसरी है जो आपको करना ही करना है क्वेश्चन नंबर फाइव में आपके पास दो चॉइस होंगे दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स में दो चॉइस होंगे दोनों चॉइस में से कोई एक चॉइस आपको फिल करना है एक चॉइस आपको ऑप्ट करना है ठीक है कोई डाउट अगर किसी को किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हो। ओके? Okay? अब हम लोग चलते हैं सेक्शन थ्री पे सेक्शन थ्री सेक्शन थ्री में आपको दो क्वेश्चन करने होंगे प्रत्येक क्वेश्चन में आपके पास एक क्वेश्चन यहां पे होगा ठीक है और एक क्वेश्चन नंबर एट है क्वेश्चन नंबर एट में आपको इंटरनल चॉइस गिवन है क्वेश्चन नंबर सेवन में इंटरनल चॉइस नहीं है लेकिन क्वेश्चन नंबर एट में इंटरनल चॉइस है दो में से कोई एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है इन सभी के मार्क्स आपके यहां पे थर्टी सिक्स मार्क्स है यहां पे थर्टी सिक्स मार्क्स है ओके तो आई होप सो कि ये पेपर आपको समझ में आ गया होगा जीएस1 और जीएस2 जीएस1 और जीएस2 अह के पैटर्न लगभग सेम है नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही करने थे जितना पहले करने होते थे बस अंतर इतना ही है कि पहले पांच में से इतने करने होते थे अब ऐसा नहीं है ओके नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको डाउट हुआ करता है एस से पेपर का पैटर्न कैसा होगा तो मैं सभी को बता दू एस पेपर का पैटर्न कैसा होगा तो एस पेपर में टोटल तीन क्वेश्चन करने होंगे एस पेपर 300 मार्क्स का होगा इस 300 मार्क्स में से आपको टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं तीन क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें कोई भी चॉइस गिवन नहीं होगा जो क्वेश्चन आपको कर दिया गया है वही क्वेश्चन आपको करना होगा कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगा क्वेश्चन क्या है राइट एनी वन एस से आउट ऑफ गिवेन टॉपिक्स आउट ऑफ गिवेन टॉपिक्स ठीक है राइट एनी वन एस से मतलब जो क्वेश्चन नंबर वन है जो क्वेश्चन नंबर वन है वो तो करना ही करना है हाँ इसके अंदर टॉपिक्स गिवेन होंगे जिसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको एस से लिखना है ओके कितने मार्क्स के हंड्रेड मार्क्स के क्वेश्चन नंबर टू राइट एनी वन एस से आउट ऑफ गिवेन टॉपिक्स तो फिर से गिवन टॉपिक होंगे उस गिवन टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आपको एस से लिखना है फिर से वैसा ही गिवन टॉपिक होंगे किसी एक पे लिखने होंगे मैं बता दूं कि एस से का क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है हिस्ट्री से होगा एस से का क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से हो सकता है हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी साइंस एंड टेक किसी भी पेपर से एस से के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं ओके तो ये है हमारा एस से पेपर का पैटर्न एस पेपर बीपीएससी पहली बार लेने जा रहा है इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे तीन क्वेश्चन होंगे थ्री हंड्रेड मार्क्स के पहले क्वेश्चन में टॉपिक्स गिवेन होंगे एक पे एस लिखना होगा दूसरे क्वेश्चन में टॉपिक गिवेन होंगे एक पे एस लिखना होगा तीसरे क्वेश्चन में टॉपिक गिवेन होंगे किसी एक टॉपिक में आपको एस लिखना होगा अब ये टॉपिक कहाँ से आएगा क्वेश्चन इज दिस कि ये टॉपिक्स कहाँ से होंगे तो ये टॉपिक्स हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी साइंस एंड टेक के तो होंगे लेकिन किस एरिया से होंगे इसके लिए बीपीएससी ने एक नोट लिखा है टॉपिक विल कवर बिहार स्पेसिफिक टॉपिक मतलब ये कि ये जो गिवन टॉपिक्स गिवन टॉपिक्स गिवन टॉपिक्स होंगे ये टॉपिक्स आपके बिहार के होंगे जैसे कल मैंने जो एग्जाम्पल लिया था एस लिखने के तरीके को समझाने के लिए तो मैं क्या किया था बिहार का टॉपिक लिया था सूखते हुए को कौन हरा बना सकता है तो जो भी टॉपिक्स गिवन होंगे वो आपके बिहार के ही होंगे चाहे वो बिहार कल्चर के होंगे बिहार आर्ट्स एंड कल्चर के होंगे बिहार हिस्ट्री के होंगे बिहार ज्योग्राफी के होंगे बिहार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होंगे बिहार के करंट अफेयर्स के होंगे लेकिन एस का टॉपिक बिहार का ही होगा ओके okay? जो क्वेश्चन गिवेन होंगे वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में गिवेन होगा ओके okay? जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है जो चेंजेस पहले था वही चेंजेस आपका फिर से एज इट इज है ठीक है आगे बढ़ू हमें बात करनी है लेसन हमें बात करनी है एसे के टॉपिक पे इट सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एस से क्योंकि जीएस वन का सिलेबस जो पहले था वो अभी भी वही है एस बीपीएससी ने क्या लिखा है बीपीएससी ने क्लियरली लिखा ठीक है एस से कवर टॉपिक बिहार स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड ऑन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड मेनी मोर कुल मिला के अगर एक लाइन में बोला जाए तो एस का जो टॉपिक होगा वो बिहार हिस्ट्री बिहार ज्योग्राफी बिहार इकोनॉमी बिहार पॉलिटी बिहार साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार जनरल अवेयरनेस के ही टॉपिक होंगे वहीं से आपके एस के क्वेश्चन फ्रेम होंगे ओके तो ये था हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न अगर आपको इस पैटर्न में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे चैट पे पूछ सकते हो हम लोग इसका जवाब देंगे और चहल एकेडमी आपके लिए लेके आया है बीपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज एक्सपर्ट के द्वारा एसए राइटिंग का क्लास जीएस वन जी टू का क्लासरूम प्रोग्राम एज वेल एज टेस्ट सीरीज तो टेस्ट सीरीज आप ऑप्ट कर सकते हो जी वन के लिए भी जी टू के लिए भी एस के लिए भी सभी के लिए हिंदी का भी एज वेल एज ऑप्शनल पेपर के लिए तो कंप्लीट इंटायर मेंस का जो पैटर्न है सिलेबस है उस पर जो टेस्ट सीरीज जो क्लासरूम प्रोग्राम है एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड और जो भी हम लोग करेंगे जैसा कि आप लोग देखे थे बीपीएससी 68 का जो टेस्ट सीरीज है हम लोगों ने जिस तरीके से टेस्ट सीरीज फ्रेम किया था क्वेश्चंस फ्रेम किया था स्टार्टिंग में ये लगा था क्वेश्चन टफ हम लोग दे रहे हैं लेकिन मुझे पता था कि क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे और वैसे ही आए ही हैं ठीक है तो जैसा कि बीपीएससी यू पी को फॉलो करने जा रहा है तो इन द सेम सिक्वेंस हम लोग भी उसी तरीके का क्वेश्चन फ्रेम करेंगे बी पी एस टेस्ट सीरीज के लिए ठीक है तो किसी भी टाइप का डाउट हो तो चहल एकेडमी पटना सेंटर पे आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो तो आप चैट सेक्शन पे आप लिख सकते हो आई विल रिप्लाई ओके थैंक यू